नमस्कार, 10 न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रंजन अभिषेक। अगर जीवन में कुछ कर गुजरने की और कुछ पाने की सच्ची निष्ठा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी मुकाम और लक्ष्य कठिन नहीं होता। और इन वाक्य को चरितार्थ किया है अंकित ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंकित सिंह हैं। इनका परिचय यूं है कि अंकित सिंह उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो प्रतिष्ठित गलगोटिया यूनिवर्सिटी से की है। बीटेक किया है इन्होंने मैकेनिकल ब्रांच में, और उसके बाद ये भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, जो इंजीनियरिंग सर्विस की परीक्षा है यूपीएससी के तहत, उस परीक्षा की तैयारी करने लगे। साल दर साल लगभग 6 वर्ष गुजर गए। अंकित को कामयाबी हाथ नहीं लगी, लेकिन इन्होंने निरंतरता और वो संघर्ष पथ जिसको इन्होंने चुना था बनाए रखा, और उसी का परिणाम है कि साल 2024 में, यानी कि जब 2023 परीक्षा का परिणाम आया, तो अंकित भारत में 5वें पायदान पर खड़े थे। इन्होंने AIR यानी ऑल इंडिया रैंक 5th हासिल किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंकित हैं। बातचीत करते हैं, इनके संघर्षों को जानेंगे और इनके पूरे सफर को जानते हैं। अंकित, बहुत स्वागत है 10 न्यूज में आपका। पहला सवाल यही है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी जो जर्नी रही है, स्कूलिंग कहाँ हुई, ग्रामीण पृष्ठभूमि में या CBSE, क्या रहा है पूरा? सबसे पहले धन्यवाद आपका। मैं अंकित सिंह, सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सिलेक्शन के लिए, फिर माता पिताजी को अपने धन्यवाद, उन्होंने लगातार हमारा सपोर्ट करा, और परिवारजन के दोस्तों सबका बहुत बहुत सहयोग था मेरी परीक्षा के दौरान। इन सबका धन्यवाद देखते मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। मैं अंकित सिंह सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूँ, टटेरीपुर गाँव से। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर से 1st to 12th हुई थी, CBSE बोर्ड स्कूल है। उसके बाद मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से 2011 से 2015 तक बीटेक किया। फिर मैंने तैयारी करने की शुरुआत 2015 में किया, लेकिन तब मेरा अटेम्प्ट था नहीं, तो मैंने 2017 में UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज का अटेम्प्ट ट्राई करना शुरू किया। तो मैं लगातार पिछले 7 साल से तैयारी में लगा रहा। उस दौरान मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए, 6 अटेम्प्ट्स मैंने 5 मेंस दिए और 3 इंटरव्यू दिए। एट लास्ट मेरा सिलेक्शन 2023 में ऑल इंडिया रैंक 5वें हुआ। मैंने अपनी लगातार असफलताओं से सीख लेते हुए आगे बढ़ा और सिलेक्शन लिया। इस दौरान मैं 2019 में 2021 में इंटरव्यू भी दिया था। इसके अलावा सारे में मेंस में हुआ था। 2020 में मेरा सेटबैक था कि मेरा प्रीलिम्स में नहीं निकल पाया था। 2022 में तबियत खराब हो जाने की वजह से मैं प्रीलिम्स तक नहीं दे पाया था, लेकिन अंत भला तो सब भला, लास्ट में सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक 5 से लिया। अंकित, जब उस सफर की बात करते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा था, जो नए लड़के लड़कियां हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो अब तैयारी में लग रहे हैं, या यूं कहें कि जो संघर्षरत हैं उस पथ पर, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? और खास करके यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षाओं में, जो एक हम अमूमन सुनते रहे हैं कि पढ़ाई के घंटों का बहुत महत्व होता है, कितने घंटे की पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे 12 घंटे, कितना महत्व है उन घंटों का, बहुत दबाव होता है, क्या है आप बताइए? जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी भारत में सबसे हाई लेवल पेइंग जॉब है, रिपीटेटेड जॉब है, और इसी वजह से सबसे टफेस्ट एग्जाम पड़ जाता है। हम लोग यहाँ पे सब लोग अपने पृष्ठभूमि से बाहर निकल के आते हैं, ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन पहली बार में सफलता हाथ नहीं लगती है, जिसकी वजह से हमें निराशा आ जाती है, हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। तो वो हमारी गलतियां रहती हैं कि हम लोग फिर उससे निकल नहीं पाते हैं और फिर बराबर मेहनत नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड हरदम लगा रहना चाहिए। जैसा कि मैं अपने बारे में खुद ही देखिए, 6 अटेम्प्ट्स मैंने दिए तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। आप तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, लगातार हार्डवर्क अपना लगाए रखिए, सिलेक्शन आज नहीं तो कल होगा ही होगा आपका। और जितने निगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, थोड़ा सा आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं और प्रेयर वगैरह पे भी ध्यान दे सकते हैं, डाइट कंट्रोल भी आप लग सकते हैं। हाँ, जहां तक STD की बात है, आपकी पढ़ाई लिखाई की, तो आप घंटे के हिसाब से मत पढ़िए कि मुझे 6 घंटे पढ़ने, 8 घंटे पढ़ने हैं। आप एक टारगेट सेट करिए कि मुझे इतना खत्म करना है, मंथली आप टारगेट करिए, डेली का एक टारगेट सेट करिए, वीक का एक टारगेट सेट करिए, उसी हिसाब से काम करिए। हाँ, जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं, एक देख लीजिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट आपका सेट हो रहा है कि नहीं।
और उस टारगेट को समय रहते पूरा करिए, ये नहीं कि आज का काम कल पे डालिए, फिर आप देखेंगे कि एक पूरा बोझ इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर आप उस तैयारी में निगेटिव दिमाग में बहुत आने लगेगा कि आज मैंने ये नहीं किया, फिर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अंकित, आपने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है मैकेनिकल ब्रांच में, अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर पूछा जाए तो कैसी पढ़ाई है, क्या व्यवस्था है, और आपके इस कामयाबी में जो आपने हासिल किया है उस यूनिवर्सिटी का कितना योगदान है, वहां के फैकल्टी का कितना योगदान है? जैसा कि मैंने बताया, मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीटेक 2011 से 2015 बैच में किया, ये मेरी फर्स्ट बैच थी। वहाँ का तब इक्विपमेंट, जो लैब इक्विपमेंट थे, वेल एस्टेब्लिश थे, टीचर्स क्वालिटी अच्छी थी, और वहाँ पे जो कंपटीशन का माहौल अच्छा था, और वर्कलोड मैनेजमेंट वहाँ पे बढ़िया हुआ करता था, हमको कंपटीशन करने की तैयारी आराम से मिल जाती थी, और मार्केट की डिमांड के हिसाब से उनके पास कोर्सेज रहते थे, इलेक्टिव कोर्सेज रहते थे, जिसकी वजह से हमारी तैयारी में अच्छे और मिल पाती थी कि हम तैयारी करने के योग्य बन पाते थे। अगर वहाँ के इकोसिस्टम की बात करें, लाइब्रेरी, साइंस और जो वहाँ फैकल्टीज हैं और जो पूरा एक ग्रुप है, जो स्टडी ग्रुप है, क्या कहना चाहेंगे, कितने पॉजिटिव है वहाँ, टीचर्स जो हैं या जो फैकल्टी मेंबर हैं वो कितना सपोर्टिव होते हैं? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो अपने जो टीचर्स हैं और लाइब्रेरीज वगैरह मॉडर्न तरीके से रखते हैं, और उनकी जो टीचर्स की क्वालिटी है वो बराबर बढ़ाते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। वहाँ के लैब्स वगैरह अभी जो मार्केट में डिमांड है, जैसे एडाप्टिव मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड है, सॉलिड मॉडलिंग का डिमांड है, अगर मैकेनिकल की बात की जाए तो ऑटोकैड्स के लैब उनके अच्छे बने हुए हैं, तो उस हिसाब से वो मॉडर्न तरीके से इंडस्ट्री में जो डिमांड है, आपके इंटरव्यूज में जो डिमांड है, सबकी डिमांड को फुलफिल करते हैं। और जो टीचर्स हैं वो बच्चों के ध्यान देते हैं कि किसी बच्चे को कंपटीशन में जाना है तो उसी हिसाब से अलग माहौल देते हैं, अगर किसी बच्चे को इंडस्ट्री में जाना है तो उसको अलग माहौल देते हैं। अब चूंकि आप एक यूथ हैं, युवा हैं, और इन दिनों देश में युवाओं को लेकर खास करके बेरोजगारी पर बहुत बात होती है, कहा जा रहा है कि जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए नौकरियां नहीं आती, और तमाम युवा जो हैं वो बेरोजगारी दर और ये आंकड़े जो बताए जाते रहे हैं, क्या लगता है आपको, भारत जैसे देश में जहां एक बड़ी आबादी है यूथ की, युवाओं की एक बृहत आबादी है, कितनी बड़ी चुनौती है, कितनी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और इससे पार पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है हमारी देश की पॉपुलेशन जो है वो 1.5 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है, और खुशी की बात कहें या दुख की बात कहें कि हम लोग फर्स्ट पे आ चुके हैं, चाइना को पिछाड़ चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो बेरोजगारी देखिए ये हरदम रहेगी, ये एक सच है, कड़वा सच है, लेकिन हम बेरोजगारी का ब्लेम दे के अपने को आगे ना बढ़ाएं तो ये हमारी गलती है। बेरोजगारी सरकार किसी की भी रहेगी, क्योंकि इतने यूथ हो गए हैं, जॉब्स उतना पैदा नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने जो कंपटीशन ज़्यादा है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, तो हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, जो भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उस हिसाब से तैयारी करें, या प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो अलग अलग कोर्सेज को अडॉप्ट करें और पॉजिटिव माहौल में रहें, किसी को ब्लेम करने से अच्छा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं तो आप जरूर सक्सेस मिलेगा। अगर ब्लेम करते रहेंगे तो फिर बेरोजगारी को आप करते रहिए, आपको कोई पूछने नहीं आने वाला है। एक सवाल और है कि चूंकि एज इंजीनियर, जब आप एक यूथ इंजीनियर हैं, तो इन दिनों देश में जो है वो दुनिया भर की कंपनियां आ रही हैं निवेश करने के लिए, उनका एक प्रथम जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है, यूं कहें सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है, वो इंडिया बनता जा रहा है। ईवी की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, और वो हमारे पर्यावरण एनवायरमेंट को लेकर क्या भविष्य देखते हैं ईवी का, और इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमिता नवाचार जो है उसका क्या भविष्य देखते हैं आप? जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया जो है फिफ्थ नंबर पे जीडीपी पे इस समय आ गई है, जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का बहुत अच्छा है, बाकी इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है कई तरह के इनिशिएटिव ला रही है, जिसकी वजह से देश दुनिया की बहुत एमएनसीज इंडिया में अपनी पूरी इंडस्ट्री डाल रही है, मेक इन इंडिया प्लान है, मेड इन इंडिया प्लान है, सब प्लान यहाँ पे वर्क कर रहा है। इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, यहाँ पे 21वीं सदी का पूरा जलवा भारत का ही रहने वाला है, तो हम अपनी जो कंपनीज की डिमांड है उसके हिसाब से हम लोग अपना स्किल डेवलप करेंगे तो हम लोगों का बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और AI का इसमें रोल है, रोबोटिक्स का रोल है, या इंडस्ट्री में सेमी स्किल्ड लोगों के लिए भी बहुत अच्छा मेक इन इंडिया या जो भी स्किल इंडिया है उसके तहत कंपनियां आ रही हैं, तो प्रॉपर आपको जॉब क्रिएशन होगा।
और हम लोग को फायदा मिलेगा। आप अपना ग्रोथ के साथ देश का ग्रोथ में भी सहयोग कर सकते हैं, बस आपको स्किल बढ़ाने की जरूरत है। अंकित, एक सवाल है, सवाल के दो हिस्से हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं। पहला तो आपने जो ये सफलता हासिल की है श्रेय किसको देना चाहेंगे, और दूसरा जो नए लोग हैं उन नए लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे। लेकिन इस सवाल से आने से पहले एक और सवाल मैं ईवी से जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों ईवी की बहुत चर्चा होती है। हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, और इन दिनों हम राजधानी में बैठे हैं, यहाँ जो स्थिति है आप देख रहे हैं, सालों भर लगभग दिल्ली में जो है वो पॉल्यूशन सुर्खियों में रहती है। ईवी का क्या भविष्य है, क्या भविष्य देखते हैं आप ईवी को लेकर? आजकल की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे वो क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन का है। तो हमने 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज में डिसाइड किया था कि हम पॉल्यूशन लेवल वर्ल्ड लेवल पे कम करेंगे। ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से एक टारगेट सेट किए गए थे, इंडिया ने भी अपने टारगेट सेट किए। उन टारगेट्स में कार्बन का जो इमिशन है उसको हम लोग मेजर फोकस कर रहे हैं। तो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए सबसे बड़ा जो कदम है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कार्बन इमिशन को लगभग जीरो, नियरली जीरो कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है हमारे इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज में। हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छा वर्क कर रही है इसमें, लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, और जनता भी हमारी काफी जागरूक हुई है। इसके तहत लोग ईवी के व्हीकल एडॉप्ट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 2035 तक की ईवी को फुल्ली रिप्लेस करने की तैयारी है नॉर्मल व्हीकल से, जो कि एक हिसाब से बहुत अच्छा भी है। बस हमको अभी थोड़ा सा वर्क और करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, चार्जिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और रेट्स इनके ईवी व्हीकल के थोड़े कम करने पड़ेंगे जिससे आम जनता के रीच में हो सके। बाकी इसके बाद गवर्नमेंट का इनिशिएटिव की वजह से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग ईवी को अडॉप्ट कर रहे हैं इजिली। एक आखिरी सवाल, और सवाल यही कि इस कामयाबी का श्रेय किन्हें मिलेगा, और जो नए लोग हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, जो युवा युवक युवतियां हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? सबसे पहले तो मैं अपनी कामयाबी के सिर्फ भगवान को देना चाहूंगा, उसके बाद माता पिता को जिन्होंने हर कदम पे मेरे साथ रहा और मुझे हरदम सपोर्ट किए, कभी भी वर्कलोड नहीं आने दिया कि नहीं जॉब क्यों नहीं लग रही, मैं 7 साल लगातार तैयारी करता रहा तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया। इसके बाद मेरे परिवार वाले, दोस्त, गांव वाले सब सपोर्टिव रहे, लोगों ने बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। एक दो लोग तो हर जगह होते हैं बहुत निगेटिव बोलते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी सब लोग बहुत अच्छे रहे, परिवार वाले, दोस्त और जो साथ के कुछ निगेटिव लोग भी थे तो वो लोग भी एज ए मोटिवेशन काम किए, उनको दिखाना था कि आप अपने कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखिए, और मैं नए अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो, पॉजिटिव इंटेंट बनाए रखो, सफलता आपको आज नहीं कल तो मिल ही जाएगी। अब आप तो डरने की कोई बात ही नहीं, देखो मैं लास्ट अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक लाया, कई चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन आप नए हो, आप जल्दी हासिल कर सकते हो, वो आपको बस खुद में बिलीव रखना चाहिए। बहुत ज्यादा देश दुनिया के बारे में ना सोच के अपनी कामयाबियों को आगे बढ़ाते रहो, और जरूर से जरूर आप सफल हो जाओगे। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहके यहीं पे अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अंकित, बहुत धन्यवाद टेन न्यूज से बात करने के लिए। हमारे साथ अंकित थे, और इन्होंने AIR 5 यानी ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल किया। अंकित सैकड़ों हजारों उन युवाओं के लिए एक उदाहरण बनेंगे, एक मिसाल बनेंगे, जिनकी हिम्मत टूट जाती है, 2-3 बार असफल होने के बाद वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, वो अपने लक्ष्य को बदल लेते हैं। लेकिन अंकित ने ये दिखाया है, करके दिखाया है कि किस तरह से अगर आप सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय के साथ अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन आप उस लक्ष्य को पा लेंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे जिस लक्ष्य को लेकर आप चले थे। और आज उसी का परिणाम है कि अंकित हमारे साथ बैठे हैं और ये ऑल इंडिया टॉपर हैं, रैंकर हैं। तो बहुत धन्यवाद आपका, हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप इसी तरह और भी नई सफलताओं को पाएं, और तमाम युवा जो इस देश में हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन जीने के लिए, जद्दोजहद में लगे हैं, उन्हें इसी तरह से आप ऊर्जान्वित और आशान्वित करते रहें। बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन ब्रजेश के साथ रंजन अभिषेक, 10 न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली।